हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हमने एक क्वेश्चन लिया है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल मेथड। देखो स्टूडेंट, न्यूटन इज एमकेएस यूनिट एंड डाइन इज सीजीएस यूनिट। डाइन इज सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। ओके बच्चों, न्यूटन जो है वो एमकेएस यूनिट है एंड डाइन सीजीएस यूनिट है, लेकिन दोनों ही फोर्स के यूनिट हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स। और ये डायमेंशन होती है बच्चों MLT^-2। ठीक है बच्चों, फ्रॉम द रिलेशन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। तो हमारी जो रिलेशन होती है N1U1 = N2U2, ये रिलेशन होती है न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट की। आप फार्मूला लगाइए और सॉल्व करिए। ठीक है, यहाँ देखो बच्चों, इससे N2 का जो फार्मूला हो जाएगा N1 ब्रैकेट में हो जाएगा U1/U2। ठीक है, अब डायमेंशन रख दीजिए बच्चों। तो यहाँ आ गया N1, U1 हो गया हमारा डायमेंशन। अगर हो गई तो ऊपर कौन है, MKS सिस्टम है ना पहला, तो MKS सिस्टम के लिए डायमेंशन तो वही लिखेंगे MLT^-2। फर्स्ट सिस्टम के लिए इन सब के साथ 1 लगा देंगे बच्चों। ठीक, यानी ये हो जाएगा M1L1T1, ये फर्स्ट सिस्टम के लिए लग गया। सेकेंड सिस्टम के लिए M2L2 और T^-2। इनको सेपरेट करिए तो ये हो गया M1/M2। ठीक, दूसरे ब्रैकेट में रखिए L1/L2, तीसरे ब्रैकेट में रखिए T1/T2 और दोनों की पावर -2। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, N1 है ये साथ में। ठीक है, N1 = N1, ऊपर हम रखेंगे बच्चों M1 है तो MKS है यानी मास है तो kg रखेंगे, और नीचे CGS है बच्चों तो CGS का मतलब ग्राम होगा तो नीचे यहाँ ग्राम रखेंगे। ठीक, इधर हमारा है L1 तो L1 हमारा है मीटर तो मीटर रखेंगे, और L2 हमारा है सेंटीमीटर, CGS तो सेंटीमीटर रखेंगे। टाइम दोनों में ही सेकेंड है, इधर भी सेकेंड है और इधर भी सेकेंड है तो सेकेंड रखेंगे, -2 रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमारा आ गया फार्मूला N2 = N1। ध्यान से देखिएगा बच्चों, kg/g होगा हमारा 1000। ठीक, एंड m/cm का होगा 100, और हमारा s/s यानी सेकेंड का हो जाएगा 1, और 1 की पावर है -2। 1 की पावर कुछ भी होगी बच्चों वो आएगा 1, और N1 कितना है हमारा बच्चों, वो N1 हमारा यही होगा 1 न्यूटन। तो गिवेन हो गया N1 = 1, देयरफॉर N2 = N1 की वैल्यू 1 रख दो बच्चों, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 1000 × 100
और 1 टू द पावर माइनस 2 इनटू 1 हो गया, n2 हमारा हो गया बच्चों 10 टू द पावर 5, मीन्स हुआ 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ओके बच्चों, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे बच्चों।